फ्रेंड्स, माय नेम इज रमजान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में और जिन्होंने आज डिक्लेयर किया है लगभग 1000% का डिविडेंड और इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आए हैं, तो वही आज हम जानेंगे। और इसका भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो 325 के करीब ये स्टॉक चलता था और आज 270-280 के करीब है। तो मार्केट इतना वॉलेटाइल होने के बावजूद ये ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, अपने लोअर लेवल्स के ऊपर ही चल रहा है। और अगर आप लेना भी चाहते हैं तो आप अपना रिसर्च ज़रूर करिएगा, लेकिन इनके फाइनेंशियल्स जो आए हैं वो थोड़े नतीजे प्रॉफिट जो है थोड़े डाउन हुए हैं, तो थोड़ा अगर और नीचे आता है तो उस टाइम आप लीजिएगा, ताकि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी काफ़ी अच्छा ये स्टॉक के अंदर रिटर्न मिल सके। तो 20 रुपीज़ का ये डिविडेंड दिया है इस कंपनी ने, उसका लेटर भी मैं आपको दिखाता हूँ, रिजल्ट्स भी दिखाता हूँ। ये 282 के ऊपर इसकी क्लोजिंग थी, इसका 52 वीक लो 260 के करीब है, मीन्स लोअर लेवल से 20-22 रुपए ऊपर है। और हाई अगर देखेंगे तो 340 का है। ये एक माइनिंग कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता की सब्सिडरी है। इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 1,19,000 करोड़ के करीब है, 2 रुपये का फेस वैल्यू है। लास्ट टाइम 400% का डिविडेंड दिया था और अब 1000% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो इसका अगर आप लेटर देखेंगे तो 22 को इनकी मीटिंग थी बोर्ड की और 1000% ऑन फेस वैल्यू लगभग 20 रुपये पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और इनका जो रिकॉर्ड डेट है वो 1 नवंबर है। यहाँ पे लेटर में देखेंगे तो 31 अक्टूबर है, लेकिन फिर से उन्होंने रिवाइज करके 1 नवंबर 2018 रिकॉर्ड डेट किया है। और अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको ये डिविडेंड मिल सकता है इजीली, अगर आपने होल्ड किया 1 नवंबर तक। और अगर आपको लेना चाहते हैं तो कल का मार्केट ट्रेंड देखिए, नीचे के लेवल पे मिलता है यहाँ से और नीचे तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो ये आप इजीली देख सकते हैं, इनके जो रेवेन्यू हैं पहले से थोड़े डाउन हुए हैं जून क्वार्टर और 2017 सितंबर क्वार्टर से। 4777 ये इनका रेवेन्यू है, ये करोड़ के अंदर है। और जून क्वार्टर के अंदर 5,300 करोड़ का टर्नओवर था और उससे पहले 2017 सितंबर में 5,300 के करीब, तो रेवेन्यू डाउन हुआ है। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 1,815 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है, जो कि वो भी थोड़ा डाउन हुआ है। जून क्वार्टर में 1,918 का था और उससे पहले लास्ट ईयर 2,584 का। तो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों डाउन हुए हैं, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड अच्छा डिक्लेयर किया है। कल अगर ये नीचे खुलता है या कुछ प्रेशर देखने को मिलता है तो नीचे के लेवल पे आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ले सकते हैं, डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है। और वेदांता ग्रुप की कंपनी है, आने वाले समय में फिर से जो है इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो लोअर लेवल्स पे लीजिए ताकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा डिविडेंड के रूप में भी और कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले। और वॉलेटिलिटी में भी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो वॉलेटिलिटी रहती है तो इतनी भयानक नहीं रहती है जितनी आज हम देख रहे हैं NBFCs के अंदर। तो आज इसी के ऊपर वीडियो बनाना था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।